अयोध्या विवाद पर फिर से रोड़ा अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। राम मंदिर पर अभी आगे और लड़ाई बाकी है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। देखिए इस रिपोर्ट को। सदियों से सियासत में फंसा अयोध्या विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो उम्मीद जगी कि अब मंदिर का निर्माण हो सकेगा, लेकिन एक बार फिर मंदिर को लेकर रोड़ा अटकता दिखाई पड़ रहा है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में विवादित जमीन पर रामलला का हक माना है, यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है और मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नागवार घुस रहा। फैसले को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक की। बैठक लखनऊ के मुमताज पीजी कॉलेज में हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी, यानी विवाद फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच जाएगा। AIMPLB की बैठक में 45 सदस्य शामिल हुए। लॉ बोर्ड ने कई बिंदुओं पर फैसले को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि इस फैसले में कई खामियां हैं, इसलिए पुनर्विचार याचिका जरूरी है। मस्जिद के बदले में मुसलमान कोई दूसरी जगह स्वीकार नहीं करेगा। हम दूसरी मस्जिद लेने सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। बाबरी मस्जिद की तामीर बाबर के कमांडर वीर बाकी के जरिए 1528 में हुई थी, जैसा कि मुकदमा नंबर 5 के परिफेल ने अपने मुकदमे के अर्जी दावे में खुद माना है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कबूल किया है। मुसलमानों के जरिए दिए गए सबूत से ये वादे है कि 1857 से 1949 तक बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद वाली इमारत और मस्जिद का अंदरूनी शहर मुसलमानों के कब्जे और इस्तेमाल में रहा है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है। बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 16 दिसंबर 1949 को पढ़ी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी तस्लीम किया है। मस्जिद की जमीन के बदले में मुसलमान कोई दीगर जमीन कबूल नहीं कर सकते और इस बात का तकाजा है कि मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जमीन दी जाए। मुसलमान किसी आम हिस्से जमीन पर जायज हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे। दूसरा बोर्ड जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है और ये मुकदमा भी मुसलमानों की तरफ से दायर हुआ था, अकेले सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जारी हुआ था। CPC में सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोविजन है कि अगर कोई मुकदमा रेपंजू के बच्चे से दाखिल किया जाए, तो ये रेपंजू के बच्चे में दाखिल हुआ था, कोर्ट ने सबमिट किया था, इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से दाखिल हुआ था, इसलिए इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी को फैसला करने का अख्तियार है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक नुमाइंदा तंजीम है, इस पर सभी दीगर जमातें शामिल हैं, इसलिए फैसला किया गया और हमें उम्मीद है कि बोर्ड इस फैसले का एहतराम करेगा जैसा उसने खुद कहा है और बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो शरीयत के खिलाफ है और वक्फ़ के खिलाफ। हमने वक्फ़ की निशानदेही की है कि वक्फ़ के तहदीब एक्सचेंज नहीं कर सकते। आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दो अहम और बुनियादी फैसले लिए हैं। एक फैसला तो ये कि बाबरी मस्जिद केस के सिलसिले में हम नजरसानी की अपील करेंगे। उसकी वजह यह है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है उसमें एक दूसरे से टकराने वाली बातें लिखी गई हैं और दफा 142 का जो महदूद इख्तियार था उसे लामहदूद तरीके पर इस्तेमाल किया गया है और उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो हमारे प्रेस नोट में लिखी हुई है। दूसरी बात यह है कि 5 एकड़ जमीन लेने की बात कही गई है। हमारा ये कहना है कि मस्जिद शरई एतबार से जहाँ बना ली जाती है वो जगह मस्जिद ही रहती है। हमारे लिए इस बात की गुंजाइश शरीयत में नहीं है कि हम मस्जिद के एवज में कोई और चीज़ कबूल कर लें, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो रकम हो, चाहे उसके बदल में कोई और दूसरी चीज़ दी जाए। AIMPLB के ऐलान के बाद क्या कहा BHP कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने और BJP सांसद मनोज तिवारी ने, वो भी सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन मुकदमों में पार्टी नहीं है। जो मुकदमों में पार्टी है उन्होंने अभी कोई बयान नहीं दिया है। मैंने हैदराबाद के एक महाशय का बयान देखा है कि जमीन नहीं लेंगे, खैरात में नहीं लेंगे, वो भी पार्टी नहीं है।
उनको कोई जमीन नहीं दे रहा है, ये थर्ड पार्टीज बोल रही हैं। इस मुकदमे के जो मुख्य पक्षकार थे उन्होंने ये फैसला स्वीकार कर लिया है। मैंने अभी जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष का एक ट्वीट देखा है, उस ट्वीट में लिखा है कि हम 100% हार जाएंगे पर फाइल करेंगे। लड़ाई समाप्त हो गई है, शैडो बॉक्सिंग हो रही है, अपने पीछे के लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गरिमा के साथ स्वीकार कर लिया होता, पर अगर कुछ लोगों को लगता है कि कुछ समय और ये प्रीटेंसेस चलने चाहिए तो चला लें। असल में उनकी लड़ाई कभी मस्जिद बनाने के लिए थी ही नहीं, उनकी लड़ाई कभी मंदिर का मुद्दा हल करने के लिए, मस्जिद का मुद्दा हल करने के लिए था ही नहीं। उनकी लड़ाई तो अपनी राजनीतिक धंधेबाजी की थी। अब राजनीति जिसका धंधा था, दुकान थी, बंद हो गई, तो जेकर दुकान में दुकान ही बंद हो रही है उसको तो बड़ा दर्द हो रहा है ना। ऐसे लोगों के विलाप पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो विलाप है अयोध्या पर, वो सिर्फ और सिर्फ भारत को नफरत के दीवार में खड़ा करने की विलाप है, उससे अब देश का कोई वास्ता नहीं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर रिव्यू पिटीशन दायर करेगी तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अयोध्या विवाद का अंत कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।